तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लाइमिन लोशन। ये दोस्तों आपके चेहरे को कोमल और सुंदर बनाता है और ये सभी प्रकार के फेस के लिए है, चाहे वो ड्राई हो या ऑयली हो। तो आज हम इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं इसको यूज कैसे किया जाए। तो हम इसके यूज करने के तरीके हैं बता रहे हैं, सेक विल बिफोर यूज। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम बढ़िया से इसको हिला लें, मिक्स कर लें, ताकि ये इसमें कहीं कुछ जमा ना बैठा ना हो, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद तो दोस्तों हम थोड़ी सी मात्रा में रुई लेंगे और इसमें क्लाइमिन लोशन को सुखा लेंगे, इसमें लगा लेंगे। उसके बाद में हम इसको इफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे और इसको फिर थोड़ी देर तक सूखने दें। फिर उसके बाद में इसको आप साफ कर सकते हैं। और इसको यूज करने से पहले हम जहाँ पे लगाएं उसको अच्छी तरह से सफाई कर लें, ताकि वहाँ की गंदगी हट जाए। तो दोस्तों अब आते हैं हम, दोस्तों इसकी प्राइस है 75 रुपीज़। और अब आते हैं हम इसको, इसके फायदे और नुकसान। तो हम सबसे पहले इसके फायदे बताते हैं। नंबर एक दोस्तों, ये त्वचा को काफी गोरा बनाता है, क्योंकि इसमें मिला है जिंक ऑक्साइड एंड जिंक कार्बोनेट। ये आपको आपके निर्जीव त्वचा को हटा के पुनर् नई नई त्वचा का निर्माण करता है। और इसमें एलोवेरा जेल मिला है जो आपके चेहरे पे ग्लोइंग लाता है लाइट। और इसमें ग्लिसरीन मिला है जो आपके चेहरे को एकदम कोमल बनाए रखता है। और भी दोस्तों इसमें कई चीज़ मिले हैं। तो ये हुए फर्स्ट नंबर। दूसरा, चेहरे पे दाग धब्बे, या चेहरे पे हो या पूरी बॉडी पे हो, आप जहाँ पे इफेक्टेड है वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कॉटन ले लें और इफेक्टेड एरिया पे उसको इसको लगाएं। चाहे वो पिंपल्स के दाग हों या किसी भी प्रकार के दाग हों, आप इसको लगाएंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर दोस्तों ये चेचक में भी काफ़ी असरकारक है, चेचक में भी दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसको भी खत्म करता है। इसको यूज कर सकते हैं आप चेचक में, और इसको प्रेगनेंसी के दौरान जो खुजली होने लगती है तो आप उसको वहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे सिर्फ बाहरी सतह पे, अंदरूनी कहीं भी ना यूज करें, नहीं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और इसको आप सूखी त्वचा पे भी यूज कर सकते हैं। इसके ये आपके चेहरे को त्वचा को थोड़ा ऑयली भी बना देगा, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन मिले हैं और जो सूखी त्वचा है उसको रिमूव करके नई त्वचा को का निर्माण करेगा। दोस्तों और भी कई चीज़ में काम आते हैं, जैसे बवासीर, सूजन, सूजन में भी को सूजन को में सूजन को कमी कमी करता है। और इसको मेकअप में भी यूज किया जा सकता है और इससे एलर्जी भी ठीक होती है। अब इसके नुकसान दोस्तों, वैसे तो ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, लेकिन कभी कभार लोगों को ये नुकसान का, जैसे कहीं मुंह के अंदर इसको पीना बिल्कुल ही नहीं है, बच्चों से दूर रखें, तो थोड़ा सा ये है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं और थोड़ा ओंठों पे सूजन आ जाती है। अगर जो ऐसी प्रकार की कोई समस्या लगे आपको, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और इसको बेहतर परिणाम के लिए रात में ही एक यूज करें, और ये सुबह दोपहर में धूप में निकलने से पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि सन किरणों से आपको प्रोटेक्शन मिले। तो दोस्तों क्लेमिन लोशन किसी भी अच्छी कंपनी का हो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लेमिन 18 बहुत वर्षों से यूज किए जा रहे हैं, हमारे पुराने पूर्वज भी यूज करते थे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों और भी किसी प्रकार की सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर किसी क्रीम या किसी ऑयल्स या लोशन का आप रिव्यू चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर जो मेरे पास उपलब्ध होगा तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।